तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, कैमरा पर्सन अतीत से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। संभवतः शायद इसी गाड़ी में अतीक अहमद है कि देखिए दो जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अतीक अहमद देखिए गाड़ी तो सीधे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी खबर जो जानकारी आशुतोष दे रहे हैं जो कि नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है कि जो गाड़ी है वो सीधे जेल परिसर के अंदर दाखिल हो रही है और फिलहाल जो मीडिया टीम्स को यहां पर रोक दिया गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दूसरे तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें दिखाइए। अतीक अहमद यहाँ पर पहुंच चुका है, माफिया डॉन अतीक अहमद, और लगभग 4 साल के बाद वो यहाँ पहुंचा है जहाँ पर उमेश पाल अपहरण कांड में उसकी कल पेशी होगी। कल 11 बजे उसे एमपी एमएलए को बुलाया जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो उसका वैन है वो गेट के ठीक सामने मौजूद है और महिला बैरक। ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। संभवतः इस काफिले के साथ जैमर्स होंगे जिसकी वजह से अब नेटवर्क की समस्या है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आशुतोष और मनीष यादव ने दी है, मनीष यादव लगातार इस काफिले के साथ थे। जो यूपी पुलिस का काफिला जो अतीक अहमद को लेकर अब नैनी सेंट्रल जेल के अंदर पहुंच चुकी है, परिसर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, लंबे समय बाद 4-5 साल बाद वापसी हुई है अतीक अहमद की। लेकिन इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है। वो प्रयागराज जहां पर तूती बोला करती थी अतीक अहमद की, 17 साल की उम्र से आपराधिक रिकॉर्ड है अतीक अहमद का। 44 साल पहले उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अभी तक अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी के मामलों में केस दर्ज है। सबसे पहले उसका नाम 1989 में चांद बाबा की हत्या में आया था, 2002 में नसन की हत्या का आरोप, 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या का आरोप, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप। उसका बेटा उमर हिस्ट्री शीटर है, उसका छोटा बेटा अली इसी नैनी जेल में बंद है जहां पर अब अतीक को लेकर यूपी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। 2006 का यह पूरा मामला, और आपको बता दें कि 100 से ज्यादा आपराधिक मामले, लेकिन इन सबके बावजूद इतने लंबे सालों में पहला ऐसा मामला उमेश पाल किडनैपिंग का जिसमें अब फैसला आने वाला है, जिसमें कन्विक्शन होने वाला है। 28 तारीख यानी कल के दिन स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल किडनैपिंग केस में। 2006 में किडनैपिंग का यह पूरा मामला जिसमें अतीक अहमद का नाम आता है, 2007 में उमेश पाल केस दर्ज करवाता है कि जबरन उसे किडनैप किया गया, जबरन उससे हलफनामा लिया गया। इस पूरे मामले में रंगदारी से जुड़ा यह पूरा मामला, 364A के तहत केस दर्ज जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। और यही वजह है कि अतीक अहमद यह चाहता था कि उमेश पाल गवाही ना दे, ये केस कमजोर हो जाए, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इस केस में कन्विक्शन ठीक से होता है, अगर उमेश पाल के पक्ष में दलीलें जाती हैं, केस उसके खिलाफ जाता है, तो हो सकता है कि उसे फांसी की सजा भी हो जाए। इस वजह से लगातार अतीक अहमद का दबाव था उमेश पाल पर। उमेश पाल की कुछ दिनों बाद हत्या हो जाती है और अब इस पूरे मामले में फैसला आने वाला है कल स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से। दो तस्वीरें आपके सामने है, नैनी सेंट्रल जेल की तस्वीर, और पहली जो तस्वीर है वो काफिला देखिए जो यूपी पुलिस का काफिला लेकर पहुंचा है नैनी सेंट्रल जेल में। दो तस्वीरें आपके सामने नैनी जेल के बाहर से ये तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर नैनी जेल के अंदर से ये सीधी तस्वीरें हैं जब यूपी पुलिस की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। और बेहद खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि 23 तारीख को यह आदेश आता है कि अतीक अहमद को अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाए। बरेली जेल में बंद था अशरफ, अतीक अहमद का भाई, उसे भी लेकर यूपी पुलिस पहुंची है प्रयागराज। कल इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष, क्या अपडेट आप बताइए जानकारी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेहमानों के पास। देखिए अभी अतीक अहमद को ले जाकर अंदर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। पहले मेडिकल कराया जाएगा, चूंकि एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। जब अतीक को लाया गया था साबरमती जेल से, उससे पहले मेडिकल कराया गया था, मेडिकल फिट है कि नहीं, तो लंबा सफर रहा,
1300 किलोमीटर का सफर, लगभग 24 घंटे बीत गए सफर को तय करने में, बीच में एक दो जगह रेस्ट लिया और अब यहां पहुंचे हैं। तो ऐसे में अतीक का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद फिर उसे तन्हाई बैरिक आवंटित की जाएगी, एक दिन उसे रखा जाएगा और कल संभावना इस बात की उसे तन्हाई बैरिक आवंटित की जाएगी। हाई सिक्योरिटी बैरिक है ये, सीसीटीवी सर्विलांस की निगरानी में अतीक की हर एक्टिविटी होगी। कल तकरीबन 11 बजे राकेश उमेश पाल अपहरण कांड मामले में सुनवाई होनी है, उस वक्त अतीक अहमद को जेल से ले जाकर कोर्ट पहुंचाया जाएगा, सेशन कोर्ट में उसकी पेशी होगी। अशरफ को भी थोड़ी देर में जो उम्मीद है कि लगभग 2 से 3 घंटे में अशरफ भी यहां पर पहुंच जाएगा। दोनों की बैरक अलग अलग रखी गई है, अतीक अहमद के बेटे की बैरक भी बदल दी गई है, तो पूरी ये तैयारी की गई है ताकि आपस में कहीं कोई कनेक्शन न रह पाए, कोई बातचीत की कोई संभावना न रहे, उसका खास ख्याल रखा गया है। तो शातिर अपराधी है अतीक अहमद, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए सामने वो वैन नजर आएगी जहां जिस वैन से अतीक अहमद को उतारा जा रहा है, देखिए पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे राकेश, उस वैन से अतीक अहमद को उतारने की तैयारी चल रही है और यहां से सीधे मेडिकल कराकर उसे फिर आगे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लंबा सफर तय किया है, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर यहां पर लाया गया है। जब प्रयागराज की सड़कों पर अतीक अहमद का को लेकर पुलिस टीम निकल रही थी तो बड़ी संख्या में लोग जमा थे, एक दहशत की जो शुरुआत हुई थी 80 के दशक में अतीक अहमद के द्वारा, अब देखिए वो खात्मे की ओर है, एक एक करके उसके गुनाहों का हिसाब किताब होगा, सजा मिलेगी और पहला मामला है जब कोर्ट उसमें फैसला सुना रही है, सेशन कोर्ट उसमें फैसला सुना रही है। अपहरण कांड का मामला है, दोनों भाई आरोपी थे राकेश, अतीक अहमद और अशरफ दोनों इस मामले में आरोपी थे और दोनों को व्यक्तिगत जब वो कोर्ट में मौजूद रहेंगे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद तय होगा अगर दोनों को सजा मिलती है तो उन्हें किस जेल में रखा जाएगा, कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्या उन्हें वापस आवाज। ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। कल तो अतीक अहमद को अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा है जहां पर उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आएगा, लेकिन आशुतोष ये लंबा सफर रहा, 4 राज्य 1300 किलोमीटर, 7 बार यह काफिला रुकता है। एक बार यह भी तस्वीर देखने को मिलती है कि एक जानवर पुलिस वैन के आगे आ जाता है, टकरा जाता है, तब कई सारे कयास लगने लगे थे, लेकिन आखिरकार अब अतीक अहमद नैनी जेल के अंदर। बिल्कुल, 4 साल के बाद प्रयागराज की धरती पर उसने एक बार फिर से कदम रखा है। इसके पहले जून 2019 में उसे एक मामले में साबरमती जेल में भेजा गया था और उसके बाद लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती थी, लेकिन 4 साल बाद एक बार फिर से उसने प्रयागराज की धरती पर कदम रखा है और इसी नैनी जेल में जहां से उसने एक तरीके से जहां से गया था साबरमती जेल, एक बार फिर से उसी नैनी जेल में उसको लाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो रात होगी अतीक अहमद के साथ साथ उसका भाई अशरफ भी होगा और उसका जो दूसरा बेटा मोहम्मद अली वो भी इस दौरान जेल में मौजूद रहेगा। और यही नहीं, इसके साथ ही अतीक अहमद के जो बहुत सारे गुर्गे हैं वो भी इस वक्त नैनी जेल में बंद है। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और शायद यही कारण है कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए, जितनी फोर्सेज आप देख रहे हैं इस वक्त जेल के बाहर उतनी जो सिक्योरिटी है वो जेल के अंदर भी की गई है। आपको बता दें कि जो अतीक अहमद है उसको पुराना महिला बैरक में रखा जाएगा और इस बैरक में खासतौर से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो न सिर्फ लखनऊ में हो रही है बल्कि प्रयागराज में भी की जा रही है और जो डीजीपी जेल है उन्होंने देर रात भी यहां पर एक तरीके से सघन तलाशी ली थी और उसके बाद दोपहर में भी वो यहां पर पहुंचे थे और तलाशी ली गई थी और इसके बाद जो सारे इंतजामों के पूर्ण होने के बाद ही अब यहां पर उसको दाखिल कराया गया है। सबसे पहले अतीक अहमद का यहां पर मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसे जेल में उसको बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो अशरफ का बैरक बताया जा रहा है जिस बैरक में अतीक अहमद रखा गया उसके 2 बैरक बाद अशरफ का बैरक है और उसके साथ ही जो हाई सिक्योरिटी बैरक में जहां पर अली मोहम्मद को मोहम्मद अली को शिफ्ट किया रखा गया था वहां से उसको हटाकर दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं, खासतौर से कुछ इसी तरह की जो चुनौती होगी वो प्रयागराज कोर्ट में भी देखने को मिलेगी क्योंकि कल दोपहर सुबह जेल की ये तस्वीरें, इंदिरा द्वार ये गेट आपको दिखाई दे रहा है नैनी जेल का और वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। थोड़ी देर बाद मेडिकल, कल अतीक अहमद को पेश किया जाना है, लेकिन ठीक कल भी यही वक्त था जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। मनीष, कल भी यही वक्त था जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। कहा यह जा रहा था कि 36 घंटे का यह पूरा सफर होगा, लेकिन देखिए करीब करीब ठीक 24 घंटे पहला पड़ाव होता है उदयपुर में, तीसरा पड़ाव होता है मेनाल में, दूसरा पड़ाव होता है चित्तौड़गढ़ में, चौथा पड़ाव कोटा,
पांचवा पड़ाव सुबह 7:15 बजे के आसपास शिवपुरी में, सातवां पड़ाव जालौन, छठा पड़ाव झांसी, और अब ये देखिए प्रयागराज नैनी जेल यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है बेहद तीव्र गति से, प्रोफेशनल तरीके से, पूरे फुल प्रूफ प्लान से। मनीष यादव, देखिए बिल्कुल राकेश, पूरी रणनीति बनाकर कैसे कैसे अतीक अहमद को ले जाया जाना है, किस किस रूट पहले डिसाइड कर लिया गया था। टीम जब पहुंची थी साबरमती जेल, उससे पहले रूट डिसाइड हो चुका था, जिसमें जेल प्रशासन के अफसर और गृह विभाग की अफसरों की साझेदारी थी, उनसे मंथन करने के बाद ही रूट को डिसाइड किया गया था। कहाँ कहाँ टीम रुकेगी, क्योंकि लंबा सफ़र था, 1300 किलोमीटर का सफ़र बहुत लंबा होता है, 24 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में। जो परिवार के मन में शंकाएँ थी, जो अतीक अहमद साबरमती जेल से निकलते वक्त जो बात कह रहा था, वो सारी दरी की दरी रह गई। अतीक अहमद को सुरक्षित यहाँ पर लाया गया है, हालांकि एक दुर्घटना जरूर हुई, आवारा पशु अतीक अहमद के काफिले, अतीक अहमद की जो वाहन था उससे टकरा गया। हालांकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई, चालक उतरा, लेकिन चीज़ों को भाप कर फिर जो है काफिला चल निकला। तो वो दुर्घटना जरूर हुई जो अनायास हुई, अचानक हुई, लेकिन बाकी सुरक्षित तरीके से, कड़ी सुरक्षा के बीच, और ऐसे समय में जब अतीक के कुछ लोग भी उस काफिले का हिस्सा थे, जो इस काफिले पर निगरानी बनाए हुए थे, मन में डर था कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। जो यूपी पुलिस में अक्सर देख मिलता है कि इनकाउंटर बहुत होते हैं, तो वो डर जो गुर्गों के मन में था, जिसको ध्यान में रखते हुए कई गाड़ियां ऐसे शहरों से आई थी जिनका काफिले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो लगातार साथ चल रही थी। तो पुलिस सूत्रों का भी कहना है कि वो अतीक से जुड़े लोग हो सकते हैं जो निगरानी रख रहे थे। इन सब के बीच अतीक अहमद को सुरक्षित नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया है, वाहन से उतारकर जेल में ले गए। लोगों की नजर नहीं थी, अतीक की बहन काफी दूर से इस काफिले के साथ थी, अतीक की बहन ने यह भी कहा कि मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, तो यह डर तो रहा है। देखिए बिल्कुल डर रहा है, वो डर अतीक अहमद की आंखों में देखा जा सकता है। जब दुर्घटना हुई तो जो साथ में पुलिसकर्मी बैठे हुए थे अतीक अहमद के, उन्होंने बताया कि अतीक अहमद का चेहरा सूख गया था, होंठ कपकपाने लगे थे, तो डर था मन में। जो आयशा अतीक अहमद की बहनें हैं, अपनी दोनों बेटियों और वकीलों की टीम के साथ इस काफिले को, मैं आता हूं मनीष आपके पास, दो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं, 24 घंटे में कैसे परिस्थितियां अतीक अहमद के लिए बदल गई। जिस यूपी से डरता था अतीक अहमद, जिस यूपी की जेल में उसे ना पहुंचाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उसके वकील पहुंच गए। कल ठीक यही वक्त थे जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। एक बेहद सीक्रेट तरीके से एसटीएफ की टीम बनाई जाती है, एक टीम को निकाला जाता है प्रयागराज से, पुलिस हेडक्वार्टर से निकाला जाता है कि आप लोगों को अहमदाबाद जाना है। वहां पर पहले से पुलिस के अधिकारी मौजूद थे प्रोडक्शन वारंट लेकर। बिल्कुल यहां की टीम को अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से, किस ऑपरेशन के तहत उन्हें भेजा जा रहा है। पहली तस्वीर कल की है जब साबरमती जेल के बाहर अतीक अहमद नजर आया था, जब उसे यूपी एसटीएफ की टीम लेकर निकली थी, उसे बाहर में बिठाया गया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आज उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में पहुंच चुका है, अंदर है आशुतोष। 24 घंटे के अंदर परिस्थितियां बदल गई, जिस यूपी से बचना चाहता था अतीक अहमद, उसी यूपी की नैनी जेल में अंदर। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ परिस्थितियां बल्कि बदली हैं, बल्कि जो माफिया का सुर था वो भी बदल गया है। आपको याद होगा कि जब वो 24 घंटे पहले साबरमती जेल से यूपी के लिए निकला था, तो उस दौरान उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे पे रखकर ये लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो माफिया यूपी की धरती पर कदम रखता है, वो ये कहता है कि कौन डरा हुआ है, अपने स्टाइल में कहता कि कौन डरा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अतीक अहमद का यहाँ पर लंबे समय से एक तरीके से रुतबा रहा है, किस तरीके से वो दबंगई करता रहा है। और जब वो यूपी की धरती पे कदम रखता है, तो उसके सुर एक बार फिर से बदल जाते हैं, और उसके पीछे की वजह यह है, क्योंकि जिस तरीके से उसके काफिले के साथ जो मीडिया की टीम चल रही थी, उसके जो गुर्गे चल रहे थे, उसके जो परिवार के लोग चल रहे थे, उससे उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब मैं सुरक्षित हूं। और जैसे ही उसके अंदर सुरक्षा का ये भाव आया, उसका सुर जो था वो भी बदल गया। हालांकि अभी देखिए, अभी ये लंबा प्रोसेस चलना है, क्योंकि कल उमेश पाल के अपहरण के मामले में कल उसको सजा सुनाई जानी है। इसके साथ ही उमेश पाल के जो मर्डर केस है, उसमें भी पुलिस ने उसकी रिमांड के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और माना यह जा रहा है कि कल सुनवाई होगी, और उस सुनवाई के बाद जो कोर्ट की जो रिमांड है वो उसको ग्रांट की जा सकती है। तो ऐसे में जो अतीक अहमद है वो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों तक वो प्रयागराज में ही रहेगा। और इसके साथ ही जो ईडी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है, तो अतीक अहमद की
जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली। अतीक अहमद के सुर भले ही बदल गए हैं, उसको लगता है कि मीडिया की आड़ लेकर वो बच जाएगा, लेकिन वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल ने इस अपने अपहरण कांड को लेकर जो गवाही दी थी उसमें उसकी सजा होना तय है, और ये सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकती है। और यही कारण है कि जो उसके परिजन है, जो उसके जो जो उसको जो उसके समर्थक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है। हालांकि अब कल कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वो निर्दोष है या नहीं है। देखिए, अतीक अहमद का लंबे समय से यहां पर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1989 से लेकर 2017 तक लगातार बदस्तूर वो जो दबंगई है वो उसकी जारी रही। और इस मामले में और कहीं ना कहीं इस पूरे सफर के दौरान जब उमेश पाल एक राह में रोड़ा बन रहे थे तो उनको उसने मरवा डाला, न सिर्फ गोलियों से मरवाया बल्कि उनके ऊपर बम भी चलवाए और एक बार फिर से अपनी दबंगई जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन वो ये शायद भूल गया था कि अब उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो योगी आदित्यनाथ जो जिनके नाम से ही अपराधी थर थर कांपते हैं। बावजूद इसके अगर अतीक अहमद ने दुस्साहस दिखाया है तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। एनकाउंटर यकीनन नहीं हुआ, लेकिन माना यह जा रहा है कि कानूनी तौर पर उसे सजा दिलाई जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल तैयार है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है, लेकिन मनीष भले सुर बदल गए हों, अतीक अहमद बिल्कुल ठीक आशुतोष ने विश्लेषण किया कि कल जब साबरमती जेल से निकाला गया था तो उसे डर लग रहा था कि वो प्रयागराज पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसने ये कहा था कि कोर्ट के कंधे पर हाथ रखकर उसका इस्तेमाल कर मुझे मारने की साजिश हो रही है। लेकिन जब उसे लगा कि अब तो प्रयागराज पहुंचने वाला है, उसने कह दिया काहे का डर। लेकिन यह तय है कि वो डर तो रहा है, क्योंकि योगी राज में तस्वीरें बदल चुकी हैं। पहले हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी उसका पेशा, 5 बार विधायक बनता है, सांसद बनता है। प्रयागराज के आसपास जिस नैनी जेल के अंदर है उसकी तूती बोलती थी, लेकिन योगी राज में काली कमाई से जो बने मकान थे, गेस्ट हाउस, लॉज थे, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो मिट्टी में मिल चुकी है। साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंच चुका है, बावजूद इसके कि गुजरात से बाहर ना भेजा जाए इस बात की अर्जी लगाता रहा। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, आपके पास हम लौट कर आते हैं इसी बड़ी खबर के साथ। वक्त